ये व्यू मेरे बेडरूम से है, बेडरूम के अंदर से ये व्यू दिख रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक्चुअली हुआ क्या है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक पैराडाइज। अभी मैं आज आ गई हूँ मेरे ससुराल गांव के घर, और आके ही देखती हूँ मेरे रूम पे पूरा अमरूद का स्मेल से पूरा महक रहा है पूरा रूम। मुझे समझ में आ गया कि पीछे अमरूद लगा हुआ है। खिड़की खोल के देखती हूँ, पूरा अमरूद ही अमरूद भरा पड़ा है पेड़ में, और ऐसे लगा कि अगर मैं खिड़की से हाथ निकालूँ तो मैं अमरूद तोड़ के खा सकती हूँ, ऐसा लगा हुआ है। और मैं अभी पीछे आ गई हूँ तो ये देखिए, ऐसे दरवाज़ा खोल भी नहीं सकते ठीक से, ऐसे अमरूद का पेड़ पूरा लटक गया है दरवाज़े के ऊपर, और ये नीचे बहुत सारा अमरूद गिरा हुआ है। शायद बंदर आया था और अमरूद बहुत सारा गिरा के गया है, तो नीचे अगर कोई अच्छा सा अमरूद है तो मैं ये उठा लेती हूँ और पेड़ से भी तोड़ूँगी। एकदम फ्रेश पेड़ से तोड़ के लाई हूँ और खा रही हूँ, इसका मज़ा ही कुछ अलग है। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से अपलोड कर रही हूँ, एक्चुअली ये मैंने गर्मी के मौसम में आई थी तो उस टाइम का है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं हैं तो हम लोग का सामान ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो जब भी मैं यहाँ पे टाइम लेके आती हूँ, 2-4 दिन रहने के लिए आती हूँ, तो आने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि बिस्तर का सारा सामान निकाल के मैं धूप में लगाऊँ। तो वही आज वही कर रही हूँ, सारा सामान निकाल के धूप में दे रही हूँ, थोड़ा सा धूप लग जाए उसके बाद इसे लेके घर पे फिर यूज़ करूँगी। और ये चीज़ हेमू को एकदम पसंद नहीं है तो ये इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। हेमू को हमेशा ऐसा ही लगता है कि बेकार का क्यों करना है, 2-4 दिन रहने के लिए आए तो रह के जाते, इतना ये सब बर्डन क्यों लेना है, लेकिन मुझे ये सब करना पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आई थी, तोड़ के गई अमरूद, अभी परी को भी तोड़ना है। हम लोग को शहर में ये सब चीज़ें तो देखने को ही नहीं मिलता है, तोड़ना तो दूर की बात है, तो परी को भी अभी तोड़ना है तो इसलिए इसे लेके आए हैं। की छिटता सो ওই যে এই উপরেরটা দেখো মধুরিয়াম মধুরিয়াম এটা বড় হইছে কত আনবা আনা পারবো পারবো পারবা না তুমি পারবা তুমি পারো তো এই যে তুমি এখানে এই যে যে সামনেই আছে এই দু 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 হবো আ তুমি কি পারছো মা মধুরিয়াম লেমু না তো মধুরিয়াম দাদা ধুইয়া খাইবা মা গাছের থেকে পারলো এটা ধুইয়া খাইতে লাগে তো না লাগে আমি বিশেষ খাম দে আর কি মান খাম নিম পাতা ছিল কি হে যতবার ইয়া এই গাছটারে আধা খালি করেই যায় দেখো তো গাছটাও ছোট হর সাইজের এরা মেরা মামাম এমনি করে গাছ ছিঁড়ে না মা হয়েছে দেখি ও মা এতগুলো হয়েছে আর ছিঁড়ে না মা আর ছিঁড়ে না এই তাহলে আমা আমা সব দাম আমা 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 মামা আছে আমা আমা কি করে না করে আমা আমা এই তো আমা আছে বেবি আমা বেবি আমা মা বলা হয়েছে হয়েছে বেবি আমা তা আছে হ্যাঁ বেবি আমা গাছটা এই নিজ দে নিজ দে পুরো খালি মাম ওই হয়েছে মামাম হয়েছে উঠো উঠো ওই বাল্টি অবশ্য ছোট সাইজে हम लोगों का वापस जाने का टाइम आ गया है, और अभी मैं अमरूद कलेक्ट कर रही हूँ। गुवाहाटी लेके जाएंगे, वहाँ पे सबको बांटेंगे। यहाँ पे खाने वाला कोई नहीं है और भरा पड़ा है,
तो ऐसे गिर गिर के ख़राब हो रहा है, खाने वाला इतना कोई है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रही गुवाहाटी लेके जाऊँ, वहाँ पे फ्रेंड्स फैमिली फिर आसपास के सबको बांटूँगी। तो जो ज़्यादा पका हुआ अमरूद है वो मैं जैम बनाऊँगी, ट्राई करूँगी बनाने का, तो इसलिए ज़्यादा जो पका हुआ है वो सब लेके जा रही हूँ, और जो थोड़ा सा कम पका है वो सब मैं बांट दूंगी। तो उसी लिए मैं कलेक्ट कर रही हूँ, अलग अलग से कलेक्ट कर रही हूँ, ज़्यादा पका हुआ अलग से और कम पका हुआ अलग से, ताकि मैं सबको बांट पाऊँ। मम्मी 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 मम्